आप एक बार दवा ले गए थे, आप कहाँ से आ रहे हैं? नारायणपुर से आ रहे हैं। नारायणपुर से आ रहे हैं। आपका नाम क्या? संतोष कुमार। आपकी एज क्या? 35। 35 साल। कभी आप हमसे दवा लिए थे क्या? हाँ, एक बार लिए थे गैस के। अच्छा, पैसा दे के लिए थे? पैसा दे के लिए थे। पैसा दिए थे? हाँ नहीं, पैसा दे के नहीं लिए। तो वही तो पूछ रहा है, हमको पता है। आपसे पैसा मैंने ली थी? नहीं, पैसा नहीं लिए थे। फ्री में दिए थे? फ्री में दी थी। अच्छा, फ्री में आपको गैस की दवा दिए थे। तो उससे क्या रिस्पांस आया था, कितना फ़ायदा था? उससे फ़ायदा बहुत अच्छा मिला हमको, अच्छा मिला। हम क्या क्या फ़ायदा वो बताइए, सोच के बताइए, भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गया। हमको मतलब काम करने में भी ठीक लग रहा था, सब चीज़ चलने फिरने में हर एक चीज़ मिल रहा है, सेहत भी सही हो गई है, अबसे पहले से हर चीज़ ठीक हो गया है हमारा। अरे, दवा छोड़े 2 साल हो गया, 2 साल के बाद भी ठीक है? इस बार ठीक है ना, हम खाए हैं तब बता रहे हैं ना। एक बार खाए थे केवल? एक बार बस। एक बार में आज तक ठीक है? आज तक ठीक है। 2 साल पहले? नहीं, अब अभी हल्का फुल्का है, लेंगे अभी, लेकिन नहीं, 2 साल पहले दवा दिए थे। 2 साल पहले फ्री में दिए थे, एक बार दवा दिए थे और 2 साल पहले दिए थे। उस समय आप की तबीयत नहीं ठीक थी, कमजोरी थी? कमजोरी बहुत थी उस समय। उस समय क्या थी बताइए? वही मतलब जब मतलब यही थरथरा रहा था, गोड़ हाथ मतलब कुछ थरथरा रहा था, मतलब गैस बन रही थी। काम नहीं कर, काम करने का मन नहीं कर रहा था उस समय। काम करने में जी एकदम मतलब थक जाते थे उस समय। उस समय मतलब ज़्यादा थी, उस समय बॉडी थरथरा रही थी, कमजोरी थी और खाना पच नहीं रहा था, खाना खाने का भी इच्छा कम हो गई थी उस समय, ठीक है। और एक बार दवाई खाए? एक बार दवाई खी, उसने इतना काम किया कि हम क्या बताएं। लेकिन हम दोबारा फिर आए भी नहीं। उस समय काम बढ़ गया था? हाँ, अरे वाह, अरे वाह, हम तो जानते ही हैं कि पावर आ गया होगा बॉडी में। अच्छा, उस समय काम बढ़ गया था आपका। एक बार खाया, छोड़ दिया दवा। लेकिन हम आज तक सही हैं। आज तक सही है, लेकिन फिर एक बार आने वाले थे, लेकिन नहीं, नहीं, आज तक सही है। आज तक सही है। एक बार दवा खाया है, 2 साल बीतने वाला है और आज तक सही है। वैसे परेशानी नहीं आई जैसे थी पहले? नहीं। बोलिए, दिल से? दिल से बता रहे हैं, परेशानी वैसे। एक साल, एक बार दवा लिए थे ना? हाँ, एक बार लिए थे, 2 साल तक फिट है अभी तक। हमको भी परेशानी एकदम नहीं हुई। एक बार दवा खाने के बाद एकदम परेशानी नहीं हुई हमको, वे परेशानी रिपीट नहीं हुई? नहीं, कोई। अरे अरे, तो कमाल की बात है। हमको लग गया ना दवा, आपकी दवा बहुत बढ़िया थी। ये आपको नहीं लग रहा है? एक बार जो भी गैस की दवा खा ले रहा है या शुगर की खा ले रहा है, कोई चीज़ की जो भी, एक बार भी दवा खा ले रहा है ना, 1 साल 6 महीना के लिए फिट हो जा रहा है। वही ना, फिर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। ये हमारे दवा में एक खासियत है, ये हमें भी नहीं पता था, लेकिन बताइए, सामने सामने बोल रहे हैं, 2 साल पहले खाए और फिर रिपीट नहीं हुआ। उस तरह की परेशानी नहीं हुई अभी तक? अभी तक नहीं हुई है। अब पैर में झंझनाहट नहीं है? नहीं, एक बार खाए हैं। लेकिन वही हमारी माता जी कह रही हैं आने के लिए, हम कह चलो आपको दिखा देंगे, रेखा दीदी से भेंट करा देंगे। संतोष जी, किसी को लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे कि हम, जैसे हम बताया, आप बड़े मिस्री हैं, आप किसको किसको लाएंगे? आपके जो घर में जितने लोग हैं उनसे हमसे बात कराइए और आप दवा ले आकर शुरू कर दीजिए। वो देखेंगे तो और लोग को बताएंगे ना, जैसे वो ठीक है, बात की बात है, लेकिन कोई कुछ करता है उनसे बात कराइए। ठीक है, फ़ोन से बात कराए, वहीं फ़ोन से बात करेंगे, हम डायरी मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, और आपको दवा दे देंगे, आदमी तुरंत दवा शुरू हो जाएगा ना, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जब तक आएंगे सोचेंगे, तब तक तो टाइम बीत जाएगा। हाँ, एकदम बीत जाएगा, बीत जाएगा ना, क्योंकि आप खाली आदमी तो है नहीं। उतने में तो दवा शुरू हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। आपका नाम लेंगे, आपको लोग याद करेंगे। एक एक ये जस है ना, ये जस है, एक उपकार की भावना रखिए, ठीक है। कहीं कहीं कोई भी रोड कार भी जा रहा है, आपसे जरा से ही परिचय है, वो परेशान है, रुक के पूछिए, भैया आप ऐसे क्यों चल रहे हैं, भैया आप इसे उदास क्यों हैं, भैया आपका चेहरा का पहले से काला क्यों है? किसी का हुई चेहरा काला हो गया, देख रहे हैं पहले से अब बदला हुआ है, तो तुरंत रोक करके पूछिए। ये इस मानव सेवा है, ये सेवा सबसे बड़ा सेवा है, ठीक है। अगर इसमें कोई अगर ध्यान देता है, सेवा करता है, तो भगवान देखता है उसको, कभी कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। बॉडी से भी कमी नहीं, बॉडी में आप फिट रहेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे, भगवान आपको फिट रखेगा, क्योंकि अंदर की भाव बदल गई। क्योंकि मनुष्य शरीर में जो भाव बदलते हैं ना, सबसे बॉडी में जहर वही है। अच्छे भाव जहाँ आती है, बॉडी अपने आप सही होने लगता है। गंदे भाव जहाँ, जो भाव बदलती है ना, उससे बीमारियाँ आने लगती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ,
और जहाँ भाव चेंज करेंगे, सेवा भाव की भाव रखेंगे, वहीं देखिए पूरी दुनिया बदल जाएगी और आपकी इज्जत मान सम्मान सब बदल जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी रखिए, किसी से रखिए, आप फ़ोन मिलाइए, मैं डायरी मेंटेन करूँगी, आप दवा ले आकर दे दीजिए। वो कहा दुश्मन का ना हो, वो आपका दुश्मन क्यों ना हो। ठीक है, और किसी को रेखा आरजी संपर्क करना 7897894910 पर संपर्क कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल बटन टच करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, और जैसा संतोष जी आज करना चाह रहे हैं वैसे आप सब करिए। ये मानव रक्षा है, मानव की सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। संतोष जी करेंगे ना? एकदम करेंगे, साथ दीजिए मेरा, क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। मैं सब देखूंगी कि अपनी घर, अपने को अपने घर को देखूंगी कि बाहर, मतलब मेरे जी में बहुत काम है, हमें आपका साथ चाहिए। संतोष जी ठीक है, हम साथ, आप देख रहे हो ना? हाँ, हाँ, देख रहे। मेरे काम को देख रहे हो ना? हम काम करने वाले करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, शॉप पे रहते हैं ना? हाँ, शॉप पे कितना काम है? बहुत सा काम है। और हमें देखते हो ना काम करते हुए? हाँ, देखे हैं, हाँ? देखे हैं। कितने लोग खुश रहते हैं शॉप पे, हमारे कस्टमर बहुत से खुश हैं मुझसे। ठीक है, क्योंकि मेरे दिल में सेवा भाव की भावना है। ऐसे ही आप भी रखिए और खुश रहिए। संतोष जी, थैंक यू।